वर्धा आने के एक साल बाद ही काका जी को एक मराठी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। बचराज परिवार का अंग्रेजों के साथ काफी उठना बैठना था, इसलिए काका जी को 3 महीनों के लिए अंग्रेजी की कोचिंग भी दिलवाई गई। ट्रांसलेट करो, मैं खेलता हूँ। आई प्ले। हाँ, मोहन खेलता है। मोहन प्ले। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मोहन प्लेज। अब मेरे साथ बोलो, आई प्ले। काका जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गए तो उन्हें दुकान पर बिठा दिया गया। मुनीम जी टपाल। व्यापार में काका जी का मन नहीं लगता था। उनका मन लगा रहे ये सोचकर बचराज जी उन्हें हर रोज 1 रुपया देने लगे और वे रुपए जोड़कर रखने लगे। लेकिन पढ़ाई में काका जी की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई। अब उनका संबंध अखबार से जुड़ गया था। के रिश्तो लायो हूँ। पढ़वाणे राम, लड़की कैसी है? अजी साक्षात लक्ष्मी का अवतार। मने तो सोनी बहू कौन नहीं चाहिए, मने तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। माँ के कमती सोनी थी दिखने में, बसंती कमती सोनी है, लेकिन कुल तो कोनो बढ़े हो। मन तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। सद्दी बाई को ये रिश्ता पसंद आया। सद्दी बाई अपने लाडले पोते का ब्याह नहीं देख पाई। पोते की सगाई के कुछ ही दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। ये बिनड़ी ना दे दियो, मुँह दिखाई। माँ क्या है? माँ रुपया कितना है? 500। 500 पगलोई है। इतनी छोटी उम्र में ये कहाँ पता होता है कि शादी क्या चीज है। सुना है काका जी और माता जी के लिए तो शादी भी एक तरह का खेल ही था। माँ बसंती देवी को बेटे और बहू से बड़ा स्नेह था। उनके मन में नेक दस्तूर वगैरह का बड़ा चाव रहता था और वो इसके लिए मौके भी ढूंढती रहती थी। तो मन ने सदा हरा देवे। थे ध्यान से खेलो ही कोनी, तो मैं के करूं? थे चलो संभल के। क्यों हरामखोर, तेरे और कोई काम कोनी जो सवेरे सवेरे जुओ खेलन बैठ गो? जाने है जो जना चौपड़ खेली भी को बंस डूब गो। अब तो बेमतलब जी दुखी करो हो। दादाजी बड़ा है, बिना ने नाराज होने को हक है। इमा बुरो के मानो। मैं तो अपने भाग ने रहूं, सारो दोष तो मेरे माँ बाप को ही है जो मैंने गोद दे दियो। और पीछे दादाजी ने अय्या को व्यवहार रखनो थो तो मैंने गोद क्यों लियो? ऐसे मौकों पर उनकी माँ उन्हें संभाल लेती, लेकिन इस माँ का प्यार भी काका जी के भाग्य में नहीं था। कुछ दिन बाद ही वर्धा में प्लेग फैली। बचराज जी ने बगीचे में झोपड़ियां बनवाई और परिवार के साथ वहां रहने चले गए, लेकिन माँ को प्लेग ने जकड़ ही लिया। शादी से पहले दादी चल बसी थी, शादी के बाद उनके छोटे भाई नहीं रहे और अब माँ जैसा लाड़ प्यार देने वाली बासंती देवी भी चल बसी। ऐसी हालत में उनके बाल सखा और ममेरे भाई बिरधी चंद पोद्दार ने उन्हें संभाला, वरना काका जी तो शायद सन्यासी ही हो गए होते। स्थित प्रज्ञ होना क्या है महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। काका जी को धार्मिक प्रेरणा पोद्दार जी से मिली, लेकिन उनके वकील मित्र श्री कृष्णदास जाजू ने उनके विचारों को देश और समाज सेवा की तरफ मोड़ा। पलायन नहीं, एक और कठिन योग है कर्म योग, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना, जैसे कीचड़ में कमल। पर मैं दुख को भुला नहीं पाता। बचराज जी को काका जी पर पड़ता जाजू जी का प्रभाव अखड़ता था। वे डरने लगे कि उनका लाडला जमन कहीं बिगड़ ही ना जाए। सन 1906 में
माधवराव सप्रे ने नागपुर से हिंदी केसरी निकालने की तैयारी की और देशवासियों से मदद की अपील की। काका जी ने 100 रुपया भेज दिया। ये रुपया उनकी अपनी बचत का था। कता गयो थो? मंदिर में थो। काम कैया चाल रहा? ठीक है। कब तक पूरा हो जासी? अभी 1.5 लाख सी। भैया मोतियां तो जयपुर में तैयार ही पड़ी हैं। ले अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो बारात में देर हो जासी। चलो मैं तो तैयार हूँ। क्यों आया है चाल सीखे? क्यों ठीक ही तो हूँ। नहीं ले एक अंठी पहन ले। नहीं दादाजी मैं कोनी पहनूं। क्यों कोनी पहन? मेरे मन में धार ली कि मैं गहना कोनी पहनूं। या भी तने वो गांधी सिखावे के तेरे पे तो भी को भूत सवार है। ले पहन ले अब। अरे बिरादरी में अपनी कोई इज्जत है? बाहर तो सब यही कैसी कि ये ससुर और बच्चराज पोते ने कोई ध्यान ही नहीं है। अय्या की बिरादरी से मेरो के लेन देन? हाँ हाँ तने के मतलब बैठा बिठाए सब कुछ मिल गो ना। खुद कमाया हो तो मेरो पड़े। मैं सालो गदो थो कि तने गोद ले आयो। सोचो थो कोई बस चलाने वाला मिल गो जो बाप दादो को नाम उजागर कर सी। पर तेरा तो लखनी दूसरा है, न काम न धंधो न व्यापार। अरे मन में सोचता होसी के बुड्ढो मरसी तो छोड़ के तो मारे नाम ही जासी। ये थे के कह रहे हो दादाजी? अरे रहन दे, ये मत सोचिए के सारो माल मतों मैं तेरे नाम छोड़ जासू। अरे तेरे नाम एक छदाम को नहीं छोड़ू, सारो को सारो दाम कर देसू, पर तने एक ढेला को नहीं देसू। काका जी तिलमिला उठे, वे शादी में नहीं गए। सिद्ध श्री वर्धा शुभस्थान पूज्य श्री बच्छराज रामधन दास से चिरंजीव जमन का चरण स्पर्श, सर्वत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय हैं। समाचार एक निगाह करें। आप आज मुझ पर निहायत खफा हो गए, सो कोई चिंता नहीं, श्री ठाकुर जी की मर्जी। मैं गोद लिया हुआ था तब आपने ऐसा कहा, पर आपका कुछ भी कसूर नहीं है, कसूर है उनका जिन्होंने मुझे गोद दिया। आपने कहा नालिश करो सो ठीक, पर मेरा आप पर कोई कर्ज तो है नहीं। आपका कमाया हुआ पैसा है, आपकी खुशी हो सो करें, मेरा आप पर कुछ अधिकार नहीं। आज तक मेरी बाबत या मेरे लिए आपका जो खर्च हुआ सो हुआ, आज के बाद आपसे एक छड़ाम कौली मैं लूंगा नहीं और ना ही मंगवाऊंगा। आप अपने मन में किसी तरह का ख्याल ना करें, आपकी तरफ आज से मेरा किसी तरह का भी हक नहीं रहा। श्री लक्ष्मी नारायण जी से अर्ज है कि आपका शरीर ठीक रखें और आपको अभी 20-25 वर्ष तक कायम रखें। सब झूठे नाते हैं, ना कोई किसी का पोता है ना कोई किसी का दादा, सब अपने अपने सुख के साथी हैं, सब झूठा पसारा है। आप अभी तक मायाजाल में फंसे हुए हैं। मैं आज आपके उपदेश से मायाजाल से छूट गया, आगे श्री भगवान संसार से बचावें। अपने मन में आप इस तरह कदापि ना समझें कि यह हमारे पर नालिश या फरियाद करेगा। पूज्य श्री 105 दादाजी बच्छराज जी से जमन का चरण स्पर्श। संसार से विरक्त होकर चल देने वाले अपने पोते को बच्छराज जी मना कर वापस घर ले आए।